मित्रों नमस्ते, मैं बलराम किशान, मैं हूँ आज शुक्ल तीर्थ भरूच। ओपन करना है पूरा? हाँ, विकास कुछ को ओपन करना भाई। आने हो सना खुला। मैं हूँ रेवा फ्लोरा के बनाना टिश्यू जहाँ पर लगे हैं शुक्ल तीर्थ। यहाँ पर मेरे मित्र हैं युवराज जी। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ये हर उस किसान के लिए हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। विकास हाथ खड़ा करो भाई। ये वीडियो की एक खासियत है, इस प्लॉट की एक खासियत है, यहाँ पर जीरो फर्टिगेशन यूज़ हुआ है। कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है, ना कोई पेस्टिसाइड यूज़ किया है। यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, यहीं के इस फील्ड के फार्मर से ही हम सुनते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाना इन्होंने बनाया है। अच्छे व्यापारी जो भी 100% प्राकृतिक बनाना ख़रीदना चाहे वो शुक्ल तीर्थ भरूच गुजरात आ सकते हैं। आज तारीख है 30/5/2019। मेरे सामने मेरे मित्र हैं। ब्रदर, आपका थोड़ा परिचय और हम कहाँ खड़े हैं। नमस्कार खेरुत मित्र, मेरा नाम युवराज सिंह भीमसिंह ठाकुर, मैं रहने वाला शुक्लाटीक गांव का, जो भरूच जिले में है गुजरात। आप... मैंने केला बनाया है। हाँ। वेस्ट डिकम्पोजर, ओनली वेस्ट डिकम्पोजर का यूज़ किया है और उससे बना हुआ मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रन, एंजाइम, पत्थर कार्क, ऐसा ही सब कुछ उससे ही बनाया। बराबर, उससे ये रिजल्ट मिला मुझे। मित्र, आपका मोबाइल नंबर भी बताए ना। 9725311137। मित्रों, मेरा कहना ये है कि कोई फार्मर अगर ठान ले कि मुझे प्रकृति के सपोर्ट में काम करना है, मैं आपको दिखाता हूँ ये जो काम कर रहे हैं। ये सॉइल आप देखिए, टेक्सचर सॉइल का, किसी के भी खेत में अगर बंच निकल आए वहाँ पर हम जाएंगे तो एकदम हार्ड सॉइल दिखेगी। यहाँ पर आपको कितना सॉफ्ट और भुरभुरा दिख रहा है। एक नाली में क्लीन है और एक नाली में पूरा पत्ते और कचरा है। ये हम भी गाइड यही करते हैं कि एक नाली में आप कचरा रखो और एक नाली को क्लीन रखो। युवराज भाई, इसकी कटिंग हुई होगी अभी, क्या रेशो निकला, वजन क्या निकला? क्या है कि 23 बंच हमने निकाले है जी। तो उसमें 26 का स्टार्टिंग का किया कि 8 बंच उसके पंजे 8 या 10 जी वही हो गए, उसका भी एवरेज मेरा 26 किलो का निकला। 26 किलो का एवरेज निकला। हाँ, है एवरेज शुरुआती कटिंग आई है। शुरुआती कटिंग मुझे जिस हिसाब से बंचेस दिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो बाद वाले हैं ये 30 प्लस जाएंगे शायद, 30-40 पर प्लस चले जाएंगे। हाँ, अरे बाप, क्वालिटी अगर हम कहें ना तो एक्सपोर्टरों को इन्वाइट करने वाली क्वालिटी है और 100% प्राकृतिक होने से इसका जो टेस्ट और कलर शाइनिंग आएगा वो अपने आप में अलग ही रहेगा। ये तने की मोटाई भी दिखेगी आपको। युवराज भाई, ये 35-40 इंच का होगा, आपने कभी नापा था इनको? 38 का है। अच्छा, 38 का, 38 हम वो देख सकते हैं। आप क्या इसमें डाल के चला रहे हो, हम आपका वो फिल्टर यूनिट वगैरह देख सकते हैं? आइए बताता हूँ। मित्रों, गुजरात में मैं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें केवल गुजरात में ही हो सकती है। बंच आप जब देखोगे जीरो फर्टिलाइज़र से, रेवा प्लस जो कहता है वो अपने आप में है। अरे बाप रे, ये खासियत अच्छे फार्मर बनने की है। आप भी अच्छा फार्मिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप NPK मार्केट से ख़रीद के डालोगे तो ही आपका प्लाट सक्सेस होगा। ज़रूरी यह है आपके काम करने का तौर तरीका। फर्टिलाइज़र सेकेंडरी होता है, सबसे पहले केले को चाहिए क्या, उसका ग्राफ। अरे वाह, इस तरह की क्वालिटी युवराज भाई, जो 100 रुपये पौधा खर्च करते हैं किसान, 80-100 रुपये का लगभग खर्चा आता है, पौधा, गाइडलाइन, फर्टिगेशन, मजदूर मैनेजमेंट और प्लांट की कीमत और कल्टीवेशन, सारा कुछ मिला के 80-100 रुपये तक का खर्च होता है। लेकिन मैंने वहाँ पर भी इस तरह का प्लांट नहीं देखा है, इतनी तने की मोटाई और इस तरह के बंचेस।
आप क्या क्या इसमें फील्ड में दे रहे हो वो भी किसानों को बताइए। ठीक है भाई, हम आए हैं युवराज भाई के ड्रिप इरिगेशन के जो वेंचुरी सेक्शन है यहाँ पर। खुशबू भी कुछ आ रही है युवराज भाई। ये वेस्टी कंपोजर बनाया मैंने जी। ये मेरा 2000 लीटर का टंकी है जी। इसमें स्टार्टिंग में 6 महीने पहले मैंने एक बोतल डाली थी इसमें वेस्टी कंपोजर की, और स्टार्टिंग में 10 किलो गुड़ डाला था जी। दो तीन बार 10 किलो गुड़ डाला है, और बाद में 7 kg गुड़, ओनली 6 to 7 kg गुड़ से ये तैयार हो जाता है। कितने लीटर का पानी का टंका है ये? 2000 लीटर का टंका। 2000 लीटर में 7 किलो गुड़ आप कंटिन्यू आप कर रहे हो। हाँ हाँ। इसको कैसे ड्रिप में कैसे जाता है ये? सक किधर से होता है? वेंचुरी थ्रू जाता है। सना हेलीपाइप, सना हेली, ये हटा दो बेटा, ऊपर से कवर हटाओ। ये इनका बोरिंग है यहाँ पर, यहाँ से पानी उठता है। ये फिल्टर यूनिट आ गया शंकु फिल्टर हटाने के लिए। इसके बाद में ये एयर वाल आ गया। अच्छा, वेंचुरी सेक्शन इधर है, वेंचुरी सेक्शन ये। मित्रों, ये टाट से इसलिए लपेटा हुआ है कि ऊपर क्या है खुला है, और डायरेक्ट धूप लगती है तो ये सारे ये बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, तड़क जाता है। अच्छा, ये वेंचुरी में अटैच, ड्रिप में चला जाता है बराबर। ये वेंचुरी में अटैच करेंगे, और यही पाइप इस 2000 लीटर टैंक से शक करेगा। मतलब आपका फर्टिलाइजर टैंक, मार्केट की भाषा में फर्टिलाइजर टैंक यही हो गया, यही बराबर। ये आगे फिर फिल्टर आ गया, पहले वेंचुरी है, उसके बाद में फिल्टर है, उसके बाद में जो पाइप जा रहा है वो आपके खेतों में जा रहा है। मित्रों, ये फील्ड है, मैंने मेरा नंबर नहीं दिया है, आप युवराज भाई से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। आप ये समझिए कि हम किस अंधी दौड़ में चल रहे हैं, ज़्यादा महंगा पौधा, ज़्यादा महंगा फर्टिलाइज़र, और ज़्यादा महंगी गाइडलाइन, मतलब कोई अच्छी ज़्यादा हेवी फीस ले रहा है तो उसकी गाइडलाइन हमें लेना चाहिए। अभी तक मैंने जहाँ तक समझा है किसानों के माइंड में ये रहता है, लेकिन आपका अनुभव क्या हो सकता है जैसे ये प्लांट और आपकी जो मेथड है करने की? मैं किसान मित्रों आपसे एक बात कहूँगा, मैं कोई पुराना खेडूत नहीं, किसान नहीं हूँ मैं जी। मैं 3 साल हुआ है मेरे बराबर, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, आप पहले साल भी जो खेती करना चाहते हो ना तो ऐसा रिजल्ट पाओगे। ये तो आपके यहाँ पहले साल का ही रिजल्ट है ना, इसके पहले तो आप फर्टिलाइजर कर ही रहे थे। पहले साल का ही बराबर। ये कितने पौधे की संख्या और कब लगाया था? 2650 का, 2650 पौधे है। और कौन से महीने का प्लांटेशन है? 20 जुलाई का है। 20 जुलाई 2018। पौधा कौन सा है? रेवा फ्लोरा जी राइन, रेवा फ्लोरा बड़वानी का जो टिश्यू कल्चर है वो। हाँ भाई, ठीक है। मित्रों, आप खुद समझदार हो, मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आज मई 30, 2019, ये जो हरियाली मैं दिखा रहा हूँ पौधों के पत्तों की, जो जो भी केला लगाते हैं वो अपने खेत में जाओ और इस तरह की हरियाली है क्या? इस फील्ड में पहली कटिंग हो चुकी है, 30 पौधे काट लिए ना अपन ने, 23 पौधे काट लिए हैं, मतलब हार्वेस्टिंग अब स्टार्ट हो गई, उसके बावजूद इतनी हरियाली है इस धूप में। मतलब आपने या तो इस मित्र की फील्ड को विजिट करना चाहिए, या इनको फ़ोन लगा के शिक्षा लेना चाहिए, या इस प्रेजेंटेशन में जो आपने सुना हो चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मेरा ये कहना नहीं है कि फर्टिलाइज़र आज की तारीख से कसम खा के बंद कर दो, मेरा ये कहना है कि जो कर सकता है वो आज बंद कर दो, जो नहीं कर सकता है वो आधा फर्टिगेशन कर दो, और ये जो युवराज भाई डीकम्पोस्टर चला रहे हैं, बैक्टीरिया दे रहे हैं, इससे भी आप रिजल्ट लेना चालू कर सकते हो, अगली बार आप समझोगे। लेकिन जो अंदर मैंने बतलाया कि एक नाली में फ्रेश और एक नाली में कचरा, फिर एक नाली फ्रेश और उसके बावजूद भी उसमें बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो इस तरह की फील्ड आराम से ले सकते हैं। ठीक है युवराज भाई, थैंक यू।